नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रवीण और आप देख रहे हैं चैनल डब्बा खोल। और आज हमारे पास एक प्रोडक्ट है जो कि है एक एरोप्लेन, जो कि बना हुआ है फोम का और इसकी अनबॉक्सिंग मैं आपके सामने करने वाला हूँ। ये जो प्रोडक्ट है ये मैंने मंगाया है अमेज़ॉन से और देख लेते हैं कि कैसा है ये प्रोडक्ट और हमें क्या क्या चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। थोड़ा सा बचपन याद आ जाता है इन चीज़ों को देख के, लेकिन ये थोड़ा साइंटिफिक भी है और थोड़ा सा अलग भी है। हालांकि ये चार्जिंग वाला एक एरोप्लेन है जो कि बनने के बाद एरोप्लेन मिलेगा। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर एक मोटर दी गई है और यहाँ पर है इसका स्विच, ये चार्ज भी होता है और इसे ओके करते ही ये उड़ने लगता है। तो इसे मैं जल्दी से बना लेता हूँ आपके सामने, ये कैसे बनेगा मैं आपको दिखा देता हूँ। ये जो चीज़ें हैं ये इसके अंदर लगेंगी बेसिकली, और ये जो छोटे छोटे स्ट्रैप हैं ये निकल जाएंगे इसके अंदर। चलो मैं जल्दी से लगा के दिखाता हूँ आपको। तो दोस्तों ये बनके एकदम रेडी हो गया है और आप उसे देख सकते हैं कि कैसा दिख रहा है ये, और देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा है। और इसको चलाने के लिए अब हमें करना क्या है, खाली इस बटन को उड़ने लग जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो सबसे पहले हमें यहाँ पर देखने लगता है चार्जिंग के लिए जो ये स्लॉट दिया गया है और ये डाटा केबल दी गई है या फिर चार्जिंग केबल दी गई है, यहाँ से चार्ज होता है। यहाँ पर एक मोटर लगी हुई जिसके अंदर फैन है और ये बना हुआ है ओवरऑल थर्माकोल या फॉर्म जो होती है जिसको बोलते हैं वो बोलते हैं। और यहाँ पे कहीं इसकी बैटरी प्लेस है, छोटी सी बैटरी होगी ज़्यादा ज़्यादा। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में, एकदम जो पहले के प्लेन होते थे वैसा लग रहा है कुछ देखने में। और आप भी ज़रूर मंगा सकते हैं। इसकी कीमत की अगर बात करें तो कीमत है इसकी कुछ 400 रुपये कुछ रुपये का आया, ये चाइनीज प्रोडक्ट है। हालाँकि 400 रुपये ज़्यादा है लेकिन थोड़ी सी इंजीनियरिंग की गई है इसके अंदर, ये जो है ना मुझे काफ़ी अच्छा लगा। अगर मैं आपको ज़मीन पे भी रख के दिखाऊं उसे तो देखिएगा आप, तो इसकी जो वीडियो है मैं आपको शेयर करता हूँ इसके बाद, इसके जो शॉर्ट्स होंगे वो मैं आपको दिखाता हूँ। सॉरी दोस्तों, मेरा तो ये ग्लाइडर उड़ा नहीं क्योंकि इसका जो रोटर है, ये जो ब्लेड है, ये अपने आप ही निकल जा रहा था हवा के प्रेशर से या जो भी है, मैं इसे फेंक रहा था लेकिन ये उड़ा नहीं। लेकिन आप इसके शॉर्ट्स इन्जॉय कर सकते हो, किसी और की वीडियो में आपको शो करा सकता हूँ यहाँ पर। और आप देख सकते हो कि ये जो ग्लाइडर है ये इस प्रकार से उड़ता है, ये इतनी हाइट तक जाता है और इसका टाइम ठीक ठाक है उड़ने का, क्योंकि इसके अंदर बैटरी नहीं है, मैंने चेक किया था। इसके अंदर कैपेसिटर लगा हुआ है, वो एक बार चार्ज होने के बाद और कम से कम 2 या 3 मिनट तक उसकी बैटरी रहती है और वो उसका जो फैन है वो चलता रहता है, इसीलिए इसके अंदर कोई बैटरी नहीं है, कैपेसिटर है, वो एनर्जी को कंज्यूम कर लेता है। तो दोस्तों ये था हमारा एरोप्लेन और इसकी जो कलाबाजियाँ हैं या फिर इसकी जो डाइव है वो आपको कैसी लगी।
अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक बटन लाइक पर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। ऐसी जो प्रोडक्ट है वो मैं लाता रहता हूँ और इसके बाद भी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट आपको देखने को मिलेंगे और ऐसे कुछ प्रोडक्ट और भी देखने को मिलेंगे, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना इस चैनल को।